ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? ये मुझे नहीं लग रहा कि मैंने बनाया यार, इतना टेस्टी। आज हमारी किचन में बन रहा है बहुत ही बढ़िया स्ट्रीट स्टाइल फूड, और आप जानना चाहते हैं स्ट्रीट स्टाइल फूड जो है क्या बन रहा है? तो आज हमारी किचन में बन रहा है तवा पनीर, जो बनता है तवे के ऊपर और बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत यमी होता है, बहुत ही लाजवाब होता है। और आज हम आपको सिखाएंगे कि तवा पनीर कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं तवा पनीर कैसे बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर ले लिया मैंने अपना हथियार और करते हैं अपना बकरा हलाल। तो चलिए जी, बकरा हलाल तो नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नॉर्मल सी वेजिटेरियन किचन में वेजिटेरियन सब्जियों को काटेंगे, ठीक है? तो यहां पर मैंने कैप्सिकम लिए हैं, अनियन लिए हैं, टमाटोज लिए हैं, ग्रीन चिली लिया है, सारा कुछ ले लिया है। तो अब बहुत ही बढ़िया सा इन्हें कर लेते हैं फटाफट से कट। तो यहां पर मैंने लिया है शिमला मिर्च, प्याज, और शिमला मिर्च प्याज को हमने काटना है क्यूब शेप में, ठीक है? बहुत ज्यादा बारीक नहीं काटेंगे, क्यूब शेप में काटेंगे। तो फटाफट से आपके पास बड़ा नाइफ हो, छोटा नाइफ हो, किसी से भी काटें, ठीक है? फटाफट से काट लेना है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च प्याज मैंने काट ली है, और आपको एक बार दिखा देती हूँ, शिमला मिर्च का साइज ये रखा है मैंने, प्याज का साइज ये रखा है। क्यूब शेप में काटेंगे, बड़ा बड़ा, बिल्कुल रफली। तो चलिए चलते हैं आगे का प्रोसीजर करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हमने ले लिया है पैन, और पैन से आप चाहें तो बच्चों की जम के पिटाई करें, या तो आप बनाएं इस पर खाना, मैं बना रही हूँ खाना। तो चलिए सीखते हैं। गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, इसमें डालेंगे हम अपना कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर कुकिंग ऑयल को अच्छे से गरम करना है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया सा गरम हो जाएगा, उसके बाद में वो बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल होते हैं ना, जैसे पूरी आग लगा देते हैं खाना बनाते टाइम, ऐसा ही कुछ करेंगे आज हम भी। तो देखिए, वेजेस डाल दी मैंने, प्याज डाल दिए, शिमला मिर्च डाल दी, और बहुत देर के लिए सॉटे नहीं करने, बिल्कुल जरा सा स्टर करेंगे और इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो देखिए, आग नहीं लगानी किचन में, बहुत ही सेफली खाना बनाएं। तो यहां पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर रही हूं। अब क्या करेंगे, फटाफट से हम प्याज लेंगे, इनको बिल्कुल रफली काट लेंगे। तो देखिए, बहुत ही फटाफट से काटने हैं, बिल्कुल रफली काट के ना, बहुत ही बढ़िया सी आज हम आपको एक डिश बनाने सिखा रहे हैं, जिसका नाम है तवा पनीर, जो बनती है तवे के ऊपर। और अगर आपके पास कोई बड़ा तवा नहीं है तो आप उसे कैसे बनाएंगे, ये भी मैं आज आपको बताऊंगी। लो जी, यहां पर हमने तीन प्याज लिए थे, इनको कर लिया रफली चॉप, और ये जो वेजेस हैं इनको हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। और इसी पैन के अंदर मैं यूज कर रही हूँ कुकिंग ऑयल का, तो ऑलरेडी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल है, और नॉन स्टिक पैन है तो बहुत ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। थोड़े से खड़े मसाले डाल दें, क्योंकि फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। यहाँ पर दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, तो ये तीनों मैंने डाल दिए हैं, और साथ ही साथ हमने जो प्याज काटे थे वो भी हम इसके बीच में डाल देंगे, ठीक है? जितनी देर प्याज सॉटे हो रहे हैं उतनी देर अब हम यहाँ पर टमाटर काट लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं टमाटर को भी बिल्कुल रफली काटेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है बारीक काटना है, मोट पतला काटना है, जैसा मर्जी काटें, बिल्कुल फटाफट से। प्याज को अच्छे से मिक्स करेंगे और पूरा गोल्डन होने तक के लिए कुक करेंगे, ठीक है? प्याज जब तक अच्छे से गोल्डन कलर नहीं आ जाता तब तक के लिए हमने कुक करना है। तो अच्छे से यहाँ मिक्स। पर आ गया मास्टर शेफ, ओहो, मस्ती नहीं अलाउ दो। मास्टर शेफ आ गया हमारे किचन में, और देखिए कितने बढ़िया से, ओहो ओहो, फेस एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, मजेदार, वाह भाई वाह। तो यहाँ पर सारे टमाटर इसके बीच में हमारा आरव धीमन ने डाल दिए, एक तो आपने डाला, एक मैंने डाला, बाकी आरव ने डाले। तब तक थोड़ा सा स्टाइल मार लेते हैं, स्टाइल है आरव का, ऐसे ऐसे, ये मेरे ऐसे ऊपर गिरना नहीं चाहिए। नहीं गिरने।
ब्रो, आई एम गोइंग। तो यहाँ पर हमारा मसाला है, बहुत ही बढ़िया सा कुक हो गया है। अब हम इसे मिक्सी के जार में ग्राइंड करेंगे, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। तो यहाँ पर प्याज टमाटर मेरे जो है ठंडे हो चुके हैं। ठंडे करने के बाद इसे मैंने मिक्सी के जार में शिफ्ट कर लिया है और अब अच्छे से ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑन कर लेंगे और हमारा जो मसाला था हमने काफी अच्छे से उसे ग्राइंड कर लिया मिक्सी के जार में। उससे पहले क्या करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर लेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। और अब हम यूज कर रहे हैं बारीक कटा हुआ प्याज और इसको अच्छे से मिक्स कर लें एक बार। तो देखिए प्याज जो है इसमें दिल खोल के डालिएगा। पहले प्याज हमने कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसा क्या, पहले प्याज हमने इसमें जो डाले थे वो हमने ऐसे ही सॉटे करके रख लिए। सेकंड हमने ग्रेवी बनाने के लिए प्याज यूज किया। फिर हम लगाएंगे बारीक कटा हुआ प्याज से तड़का। जो तवा पनीर बनता है वो क्या होता है, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला नहीं होता, उसमें खड़े खड़ी सब्जियां मुंह में आती हैं तभी फ्लेवर आता है बहुत ही बढ़िया। तो आज बन रहा है तवा पनीर। और आपके पास अगर तवा ना हो बहुत बड़ा तो आप किसी भी पैन के अंदर बना सकते हैं। तो देख सकते हैं प्याज हमने डाल दिए। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और यहां पर यूज कर रही हूं मेरा सीक्रेट मसाला जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। ये सीक्रेट मसाला है गरम मसाला जो कि मैंने घर पर बनाकर तैयार किया हुआ है और इसका जो सब्जियों में फ्लेवर है ना वो बिल्कुल अलग ही आता है। तो लो जी हमारे मसाले भी यहाँ पर कुक हो गए। एक बार एक क्लोज सीन हम दिखा देते हैं आपको कि मसाले बहुत ही बढ़िया से कुक हुए हैं। प्याज हमारे अच्छे से मसाला बन गया है। ग्रेवी जो हमने बनाकर रखी थी वो हम इसके बीच में शिफ्ट करेंगे और अच्छे से पकाएंगे इस ग्रेवी को। तो देख सकते हैं सारी की सारी ग्रेवी हमने इसमें डाल दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मसाला है हमें बहुत ही बढ़िया सा भुनना है। और मसाला बढ़िया भुना है या नहीं भुना ये निशानी पता क्या है, जब तक घर बैठे सभी बंदों को खांसी ना आ जाए ना मजेदार सी, तब तक आप सोच लें आपका मसाला नहीं भुना। मेरे यहाँ पर पीछे सारे लाइन वाइज खांसी करते हुए जा रहे हैं और मेरा मसाला बहुत बढ़िया सा भुन चुका है। तो चलिए जी अब इसे कर देते हैं बढ़िया सा मिक्स। तो देख सकते हैं मसाला भुन गया है। अब डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा पानी। तो ये जो तवा पनीर बन रहा है इसमें बहुत थोड़ा पानी लगता है, कुछ जैसे कि कुछ ड्रॉप्स पानी के मैंने यहाँ पर डाले हैं। और डालने के बाद इस ग्रेवी को कर दें बढ़िया सा मिक्स, ठीक है। और इसके बीच में हम अपना पनीर डाल देंगे जो हमने क्यूब शेप में काट के रखा है। तो ध्यान रखना है कि ग्रेवी वाला नहीं बनता, जब भी आप तवा वाली आइटम कुछ भी बनाएं तो ग्रेवी नहीं लगती इसके बीच में। और इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आहा इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मजेदार सी। चलिए जी अपनी जो हमने वेजेस सॉटे करके रखी थी शिमला मिर्च और प्याज वो भी साथ ही साथ डाल देंगे और एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और ऐसे ही मिक्स करना है क्योंकि पनीर के जो क्यूब्स हैं वो टूटे नहीं। और बहुत देर के लिए कुक नहीं करना, बस थोड़ी देर के लिए स्टर करेंगे और आपकी तवा पनीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं तवा पनीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ हमारी बहुत ही डिलीशियस सी तवा पनीर बनकर हो चुका है तैयार। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल वो मार्केट स्टाइल वाला टेक्सचर होता ना वही आया है। बहुत ही अमेजिंग सी बनी है, बहुत ही यमी बनी है, देखने में इतना मज़ा आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है इसे देखकर। और आप सोच सकते हैं खाने में ये कितनी ज़्यादा यमी होगी। तो गाइस बहुत ही परफेक्ट तरीके से आज हमने आपको बनाकर दिखाया है तवा पनीर। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पर ट्राई करना तो ज़रूर 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 बनता है और वीडियो को लाइक शेयर करना भी बनता है। हमारा यहाँ पर तवा पनीर बनकर तैयार हो चुका है और कितना यमी लग रहा है देखने में। तो चलिए टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके आपको बताते हैं कि कितना मज़ेदार सा बना है। आप लुक देख के ही समझ रहे होंगे कितना यमी है। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये मुझे नहीं लग रहा कि मैंने बनाया यार। इतना टेस्टी, इतना टेस्टी बना सकती हूँ मैं, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ना अगर आपने इस तरह से तवा पनीर बनाया ना
तो आपके बच्चे, आपके दोस्त बार बार आपको डिमांड करेंगे कि यही वाली रेसिपी बनाओ। तो अभी तक क्या देख रहे हो, आप भी जाओ बनाओ खाओ। एक सेकेंड जाने से पहले, पीछे हमारी लाइन लगी हुई है, यहाँ पर वीडियो शूट हो रहा है और बच्चे इंतजार में खड़े हैं कि मम्मी की वीडियो कब कंप्लीट हो और हमें खाने को मिले। तो चलिए मैं पहले बच्चों को टेस्ट कराती हूँ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।